हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अपना है GST Year 9। तो GST Year 9 के बारे में आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आइए सारे डाउट्स को अभी सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे GST Year 9 का डिफिनेशन। ये क्या बोलता है? GST Year 9 एक एनुअल रिटर्न है, यानी कि वार्षिक रिटर्न है, सालाना रिटर्न है, साल में एक बार फाइल करना है। ठीक है, किसको? जिसे सभी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है, कुछ को छोड़कर। कुछ लोग हैं जिनको GST Year 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से ये लोग हैं ये देख लीजिएगा। ये चार लोग हैं: कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और पर्सन पेइंग TDS अंडर सेक्शन 51। मतलब ऐसे लोग जो TDS पे कर रहे हैं सेक्शन 51 के अंतर्गत। तभी से ये तो क्लियर हो गया कि रेगुलर वालों को, कंपोजिशन वालों को और ई कॉमर्स वालों को GST Year 9 फाइल करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन हैं उनके लिए GST Year 9 का जो नंबर है वो अलग अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, GST Year 9 जो है वो रेगुलर वालों को फाइल करना है, वैसे ही कंपोजिशन वालों को 9A फाइल करना है। ठीक है, ई कॉमर्स वालों को 9B फाइल करना है, और 9C किसको फाइल करना है? वैसे लोग जिनका GST में ऑडिट होगा उनको 9C फाइल करना है। और GST में ऑडिट किनका होगा? वैसे लोग जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है उनका GST में ऑडिट होगा, तो उनको 9C फाइल करना है। अब एक और चीज, मान लीजिए कि मैं रेगुलर पर्सन हूं, ठीक है, मेरा जो है टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं एनुअल रिटर्न तो फाइल करूंगा ही GST Year 9, और साथ ही साथ GST Year 9C भी फाइल करूंगा, क्योंकि मेरा GST में ऑडिट होना है, मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब GST Year 9 जो है इसका ड्यू डेट क्या है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसे कब तक फाइल करना है, क्या लास्ट डेट है GST Year 9 का? तो ये देख लीजिएगा, लॉ क्या बोलता है कि ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद के 31 दिसंबर या उससे पहले आपको GST Year 9 फाइल करना होता है। तो ये एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे अपना ये 2017-18 साल किस दिन खत्म हुआ था? 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो इसका जो GST Year 9 है वो हमें 31 दिसंबर 2018 तक फाइल कर लेना है। वैसे ही अभी अपना कौन सा साल चल रहा है? 2018-19, तो इसका GST Year 9 31 दिसंबर 2019 तक फाइल करना है, मतलब कि साल बीतने के बाद जो दिसंबर आएगा उसके 31 तक। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये मैंने जो है आपको केवल समझाने के लिए बनाया है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जो GST रिटर्न साइकिल अपना जो पहले तय हुआ था कि कैसे सिस्टम चलेगा, ये पुराना सिस्टम था। ठीक है, GST Year 1 फाइल करना था, 2 फाइल करना था और 3 फाइल करना था। ठीक है, जब हम फाइल करते तो इससे GST Year 9 बनता। अभी हम क्या कर रहे हैं? GST Year 3B और GST Year 1 फाइल कर रहे हैं। तो एक बार इसको समझिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो मैं जो आगे बातें बताऊंगा वो क्लियर समझ में आएगी। जो अपना GST Year 1 है उसमें हमें सेल और सेल रिटर्न डालने हैं, मतलब कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालनी है। वैसे ही GST Year 2 में हमें परचेज और परचेज रिटर्न, मतलब कि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालनी थी। ठीक है, अब क्या होता पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग की GST Year 1 और GST Year 2 से GST Year 3 बनता। GST Year 3 में और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स जाती। ये GST Year 3 है ना, ये अपना जो भी हम 3B फाइल कर रहे हैं उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होता, सेम समरी जाता अपना GST Year 1 और GST Year 2 का, जैसा 3B में जाता है। उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना होता तो मंथ एंड में ही हो जाता अगर GST Year 3 हम फाइल करते तो, और जब अमेंडमेंट होता तो लाइबिलिटीज कुछ घटती या बढ़ती, कुछ इंटरेस्ट आता, लेट फी आता, तो वो सारे उसी मंथ में खत्म हो जाते। ठीक है, और उससे अपना GST Year 9 बनता। हर मंथ का जो GST Year 3 बनता तो 12 मंथ का जो GST Year 3 से GST Year 9 बनता, और उसमें कुछ और एडिशनल डेटा जाता और ये हो जाता। बट अब क्या है, हम तो GST Year 1 केवल फाइल कर रहे हैं, 2, 3 तो फाइल नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो इन्होंने पुराना फॉर्मेट दिया हुआ है GST Year 9 का, उसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो GST Year 2 और GST Year 3 से रिलेटेड हैं। तो पुराना फॉर्मेट तो बेकार हो गया, उस फॉर्मेट अकॉर्डिंग अपना रिटर्न नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत वो काम आएगा बट वो पूरा का पूरा नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब जो सवाल है आप लोगों का उस पे आ जाते हैं कि GST Year 9 किसको फाइल करना है। हमने देख लिया चार लोगों को छोड़ के सबको फाइल करना है, यानी कि रेगुलर वालों को, कंपोजिशन वालों को और ई कॉमर्स वालों को फाइल करना है GST Year 9। GST Year 9 कब से फाइल होगा, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है डेट का कि कब GST Year 9 आएगा, कैसे फाइल करना है, कब तक फाइल करना है। जो ड्यू डेट है लॉ के अकॉर्डिंग वो 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर से पहले करना है अभी तक हमें, बस इतना पता है अगर फॉर्मेट आ जाए तो। अब GST Year 9 कैसे फाइल करना है, क्योंकि अभी तो मैंने पीछे बता दिया कि GST Year 9 का जो अपना फॉर्मेट है वो बेकार है,
ये देखिएगा मेरे पास एक पुराना वाला फॉर्मेट है GSTR 9 का, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसे डिटेल्स हैं जो GSTR 2 और GSTR 3 से रिलेटेड है, ठीक है। तो 2 में जो भी चीज़ें भरनी थी वो हमने करी तो है नहीं, और ये फॉर्मेट उस कारण से थोड़ा सा जो है चेंज होगा, क्योंकि अभी हमारा जो है GSTR 2 और 3 तो डेफर हो गया है, कब फाइल होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, और नवंबर दिसंबर से अपना सिंगल मंथली रिटर्न वाला फॉर्मेट भी आ जाएगा, तो इसमें थोड़े से चेंजेज होंगे, इसलिए ये चीज़ें आपको बताना मेरे हिसाब से बेकार सा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि हम देख ही रहे हैं कि कितना जल्दी जल्दी रिटर्न का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो इसको मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर दूँ और ये जब रिटर्न आए GSTR 9 तो इसमें कुछ हो ही नहीं, ठीक है, या फिर चेंजेज हो तो फायदा नहीं होगा। और अभी अगर 1-2 महीने में रिटर्न आता है और मैं अभी इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो आप भूल जाएंगे, बातें फिर वहीं की वहीं रह जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोगों ने वीडियोज बनाया है, पूरा इसको एक्सप्लेन भी किया है, पर मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये आया ही नहीं है, फिर इसके बारे में पुराने फॉर्मेट के हिसाब से बात करने से क्या फ़ायदा। फिर भी मैं इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी देखना हो इसको निकालिए, देखिए अगर समझना है तो, अगर नहीं देखते है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही देखे ज्यादा बेटर रहेगा। जब नया वाला आएगा तो मैं लाइव वीडियो डाल के पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।